इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर खानापुर। आपको सुनकर ताज्जुब लगेगा कि बार बार खानापुर का नाम जुर्म की दुनिया में मंजर आम पर आता दिखाई दे रहा है। वैसे तो पिछले कुछ अरसे से बेलगाम जिले में जुर्म की वारदातों में काफ़ी इजाफा होने की बात कही जा रही है। खासतौर से फिरकापरस्त तंजीम जो हमेशा किसी न किसी तरह से अमन के माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश फैसिस्ट ताकतों की जानिब से किया जा रहा है। एक और इत्तला हासिल हुई है जिसमें 10 अफरादों को गैर कानूनी तौर पर पिस्टल बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई खानापुर इलाके में हुई है। अब इसके तार मध्य प्रदेश तक जुड़ने की भी बात सामने आई है। देसी कट्टे कहा जा रहा है पर इसकी तफ्तीश जारी है। खैर, इसके लिए खानापुर पुलिस को मुबारकबाद। गिरोह के 10 अफराधों को हिरासत में लिया गया। कर्नाटक के 5, महाराष्ट्र से 2 और मध्य प्रदेश के 3 मुजरिम इस तरह से 10 अफराधों को हिरासत में लिया गया। इनके पास से 2 रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। 5 नवम्बर को खानापुर पुलिस थाने के CPI शिंगे रात की गश्त पर थे तो कुछ अपराधों की तश्वीशनाक हरकत देखते हुए इनकी पूछताछ की, जिसमें धारवाड़ का रोड शूटर उमेश हथियार खरीदने खानापुर आया हुआ था। कोल्हापुर का तुलसीदास जोशी, याद रखिए, कोल्हापुर का तुलसीदास जोशी मध्य प्रदेश से हथियार लाकर बेलगाम जिला गोवा में बेचने के काम को अंजाम देता रहा। बेलगाम शहर का खानापुर तालुका, जहां से गोवा की सरहद लगती है, पिछले कई सालों से जुर्म की दुनिया आबाद होती दिखाई दे रहे। कुछ मामले पकड़े जाते हैं तो सवालात भी खड़े किए जाते हैं। आखिर जुर्म, मुजरिम और गुनाह इसी इलाके में क्यों पनपते हैं? जाहिर है इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें यहां पेश आई हुई है, जिससे इतना जरूर पता चलता है कि गोवा महाराष्ट्र से मुजरिमों की चहल पहल में खानापुर का काफी अहम किरदार है। इसी गांव में स्लीपर सेल होने की बात बारहा सामने आई। पूरे मुल्क में गौरी लंकेश कत्ल मामले पर चर्चा हुई तो खानापुर का नाम भी सरे फहरिस्त रहा। इसी जगह पर हथियार के ट्रेनिंग हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से लिया गया था। खानापुर के चिकले गांव में SIT ने जायजा भी लिया था। मतलब खानापुर में कहीं तो कुछ खास है जो बार बार इस तरह की वारदातें पेश आती रहती है। पुलिस तफ्तीश जारी है। अब आवाम की जानिब से यह भी मुतालबा किया जा रहा है कि हथियार को बैरूनी रियासत का गिरोह, यानी कि अंतर्राज्य गिरोह जिसे कहा जाता है, पकड़ा गया है। तो आखिर ये लोग किस तंजीम से हैं? इनका ताल्लुक किससे है? क्या वाकई ये लूटमार करने वाला गिरोह है या किसी और जुर्म को अंजाम देना चाहते थे? इससे पहले कितने हथियार इन्होंने किन किन अफराधों को बेचे हैं और बेलगाम शहर और अतराफ में और कितने मुजरिम इसमें मुलव्विस है? इसकी गहरी तहकीकात जरूरी है। जिस कदर गोवा कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं, हो सकता है कि सियासी मुफाद हासिल करने के लिए मजहबी तशद्दुद को कायम करने का खेल तो कहीं नहीं खेला जा रहा। इस तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं। शुरुआती तहकीक में ये गिरोह लूटमार करने वाला कहा जा रहा है, लेकिन बढ़ती फिरका परस्तों की सरगर्मियां दीगर मामले की तरफ भी इशारा करती है। उमूमन ये देखा जाता है कि अगर कोई बड़ा सियासी लीडर इसमें मुलविस होता है तो मामले की संजीदगी को घटाया जाता है ताकि इसका असली मास्टरमाइंड बच सके। अब जिम्मेदारी पुलिस महकमा की है। इस गिरोह को गिरफ्तार कर बहुत बड़े जुर्म को अंजाम देने से खानापुर पुलिस ने बचाया जरूर है, लेकिन इसकी तय तक जाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इस तरह हथियार का पकड़ा जाना और गैर कानूनी तौर पर बेचना एक तरह से पुलिस महकमा के लिए चुनौती कह सकते। 1 रिवॉल्वर की कीमत 1 लाख में बेच रहे थे, मतलब खरीदने वाले लोग बेलगाम जिले में मौजूद हैं। इसके तार मध्य प्रदेश तक जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के तुलसीदास को पिस्तौल पहुंचाने वाले मध्य प्रदेश के विजय रामलाल ठाकुर को भी गिरफ्तार किया हुआ है। अब विजय रामलाल ठाकुर कौन है? कहीं ये वो सरफरोश का मिर्ची सेठ तो नहीं है? लिहाजा किसने कहां पर पिस्तौल बेचा है, किस गिरोह, किस तंजीम, किस संगठन के लिए ये काम करता था, इसकी तहकीक जरूरी है। ताज्जुब तो इस बात पर भी होता है कि मीडिया इस पर खामोश है। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या किसी मुजरिम का नाम अब्दुल होता तो मीडिया इसी तरह से खामोश रहती? खैर, हर मामले को हिंदू मुस्लिम करने से मीडिया को फुर्सत नहीं है और ऐसे मामले में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रहती जहां मजहबी तशद्दुद फैलाने की कोई गुंजाइश ना हो। इतना जरूर है कि जो भी गिरोह पुलिस के हाथ लगा है इसकी पूरी ईमानदारी से तहकीक हो ताकि जितने भी गैर कानूनी हथियार बेचने वाले और खरीदने वाले जेल के सलाखों के पीछे हो, वरना गली मोहल्ले में इसी तरह जुर्म पनपता रहेगा जब मुजरिमों की पुश्त पनाही सियासी रहनुमा करते रहेंगे।
हलगा मच्छे बाईपास सड़क के लिए मुस्तकिल एहतजाज किसानों की जानिब से किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से एहतजाज में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में बाईपास हाईवे का काम जारी है। किसानों का कहना है कि अगर कुंटे को 50 लाख रुपए भी देंगे तो हम अपनी खेती को हुकूमत के हवाले नहीं करेंगे। इनका ये भी कहना है कि 0 पॉइंट फिश मार्केट से शुरू होता है तो यहाँ से क्यों किया जा रहा है, और जब अदालत का फैसला ही नहीं हुआ है तो जोर जबरदस्ती से लहलहाती हुई फसल पर क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है। खुदकुशी करने वालों की तरफ भी हुकूमत इंतजामिया नज़रअंदाज करती दिखाई दे रही है। छोटे बच्चे, खवातीन, मर्द हजरात भी मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत किसी तरह तवज्जो देते नजर नहीं आ रही। लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें खवातीन भी है, लिहाजा आज फिर फसल पर बुलडोजर चलाने को लेकर एहतजाज किया गया। भाजपा इख्तदार बम्बई हुकूमत मजहब तब्दीली कानून को लाकर ही रहेगी, ऐसा बयान एक बार फिर वजीर आला बसवराज बम्बई ने दिया है। वाजह रहे कि दिसंबर 14 से लेकर 23 तक बेलगाम में मौसम सरमा इजलास यानी के विंटर सेशन हो रहा है, इस वक्त इस बिल को पास किया जाएगा। वाजह रहे कि मुसलमान और ईसाई माशरे ने इस बिल की मुखालफत करते हुए एक तरह से आजादी छीनने की कोशिश का है, क्योंकि भारत का आईन संविधान इसकी इजाजत देता है कि कोई भी अपनी मर्जी से मजहब तब्दील कर सकता है। लिहाजा कई हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से ईसाई और मुसलमानों पर लालच देकर गरीब हिंदुओं का मजहब तब्दीली करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसी के पस मंजर में चर्चों और ईसाई तंजीमों की पूछताछ भी की जा रही है और कई चर्चों पर हमला भी किया जा रहा है। मौला कलीम सिद्दीकी को भी धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया। लिहाजा चुनाव के मद्देनजर इस तरह के कानून अकलियती तबके को डराने और अक्सरियत हिंदू तबके को खुश करने के लिए लिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कर्नाटक के साथ जहां भी भाजपा हुकूमत है, इस तरह के कानून को मंजूरी देने का फैसला लिया जा सकता है, जिस पर अकलियती समाज बेहद नाराज है। आज योगी आदित्यनाथ की जानिब से आजमगढ़ का नाम आर्यम खान करने का ऐलान किया गया। आवाम में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि जो काम करना है वो तो ये ढोंगी बाबा नहीं कर रहे, लेकिन गांव के नाम बदलकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। लाखों दिए जलाकर अयोध्या में गिनीज बुक में तो नाम दर्ज कर दिया, लेकिन जिस तरह गरीब लोग दिए से तेल हासिल करने के लिए होड़ लगे और टूट पड़े थे, इससे योगी आदित्यनाथ को जिल्लत भी उठानी पड़ रही है। ये और बात है कि इन्हें किसी भी बात की शर्म नहीं आती। लिहाजा आवाम को इलेक्शन तक मुफ्त राशन देने का ऐलान भी किया गया। इसके बाद आवाम का क्या होगा इस पर तो कोई तबसरा नहीं हुआ, लेकिन पूरे मुल्क में यूपी जुर्म की वारदातों में पहले नंबर पर। लिहाजा कई मुस्लिम नौजवानों को जानबूझकर मारने के इल्जाम में भी जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में कासगंज के अल्ताफ को पुलिस ने पीट पीट कर मारने का इल्जाम लगाया, लेकिन पुलिस ने इसे जैकेट के नाड़े से फांसी लगाने की बात कही, जबकि ये पाइप महज 2.5 फीट ऊंचाई पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। अल्ताफ की मौत पर फिर से यूपी पुलिस कटघरे में खड़ी तो हुई है, पर हुकूमत के इशारों पर इस तरह कार्रवाइयों को अंजाम देने वाली इंतजामिया पर आखिर इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, ऐसा इनके घर वालों का भी कहना है। एक तरह अकलियती माशरे को निशाना बनाना तो दूसरी तरफ गांव के नाम तब्दील करना, मंदिर मस्जिद लाखों दिए मुसलमानों को धमकी देना, यही योगी आदित्यनाथ करते आ रहे हैं। हाल ही में होने वाले चुनाव के मद्देनजर इस तरह की बढ़ती वारदातें चिंता का मौजू तो बन रही है। आगे इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ जीतते हैं तो यूपी के हालात और भी खराब हो सकते हैं, ऐसा इल्मी माहिरीन का कहना है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.